दोस्तों, मानव इतिहास में पहली बार रूस एक ऐसा कारनामा करने जा रहा है जिसके बारे में शायद ही किसी ने कल्पना की हो। अमेरिका जैसे देश को स्पेस फील्ड में पीछे छोड़ने की कोशिश के तहत रूस यहाँ एक फिल्म बनाने जा रहा है। इस फिल्म की शूटिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में की जाएगी, जिसके लिए 5 अक्टूबर 2021 को एक्ट्रेस सहित पूरी टीम को रवाना कर दिया गया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक्टर टॉम क्रूज के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करने का ऐलान किया था, जिसकी शूटिंग स्पेस में की जानी थी, लेकिन फिर बाद में इस पर कोई जानकारी सामने नहीं आई। वहीं अब रूस के द्वारा 37 साल की एक्ट्रेस यूलिया पेरेसिल्ड और 38 साल के डायरेक्टर क्लिम शिपेंको को पूर्व सोवियत कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से रवाना कर दिया गया है। ये लोग अनुभवी एस्ट्रोनॉट एंटन के गाइडेंस में स्पेस की यात्रा करेंगे। जिस फिल्म की शूटिंग की जाएगी उसका नाम द चैलेंज है। यहाँ फिल्म के अलग अलग सीन फिल्माए जाएंगे। फिल्म में एक महिला डॉक्टर की कहानी दिखाई जाएगी जो एस्ट्रोनॉट्स को बचाने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाती है। इस कहानी के बारे में रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने जानकारी दी थी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।